मैथमेटिक्स टीचर सामा सईद। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। सो पार्शियल फ्रैक्शन पे आने से पहले सबको फ्रैक्शन का आइडिया क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज फ्रैक्शन। तो जिस तरह हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि फ्रैक्शन वो स्टेटमेंट है जिसमें हमारे साथ टू पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक जो सेपरेटेड बाय लाइन होती है, ऊपर वाले को हम कहते हैं नोमिनेटर जबकि नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो आज के टॉपिक में हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ये भी उसी तरह के फ्रैक्शन है लेकिन उधर नंबर होते थे, इधर अब हमारे साथ जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे और पार्शियल फ्रैक्शन की अपनी जो डिफिनीशन है वो भी इस लेक्चर में आपको मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने कॉमन फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको कहा। अच्छा, इसके बाद आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि फ्रैक्शन के हमारे साथ प्रॉपर और इम्प्रॉपर टाइप्स हैं। प्रॉपर वो फ्रैक्शन हुआ करता था जिसका नोमिनेटर छोटा जबकि डिनोमिनेटर बड़ा होता था, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका नोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। सिमिलरली जब हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो उससे बनता है मिक्स फ्रैक्शन। तो उसका आइडिया भी आपको क्लियर होता है कि वो हमें डिविजन्स की मदद से मिक्स फ्रैक्शन मिल जाता है। अच्छा, आज के लेक्चर पे आने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक और डिफिनीशन करवाता हूँ, ये ऊपर चीज़ें पहले हाल छोड़ रहा हूँ, रेशनल फ्रैक्शन की। तो रेशनल नंबर का आइडिया सबको क्लियर है, क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब वो है कि जो नंबर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उस नंबर को हम कहते थे रेशनल नंबर। तो सिमिलरली वही रेशनल फ्रैक्शन का आइडिया क्या होगा, इधर अब हमारे साथ दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, एक पी ऑफ एक्स हो गया और दूसरा चले हमने इसको क्यू ऑफ एक्स से डिनोट कर दिया। तो जब हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं तो इसको फिर हम कहते हैं रेशनल फ्रैक्शन। सो रेशनल फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स, और ये क्यू ऑफ एक्स जो है इस पे कंडीशन है कि ये जीरो के बराबर नहीं होगा। तो इस किस्म के फ्रैक्शन को फिर हम कहते हैं रेशनल फ्रैक्शन। अच्छा स्टूडेंट, अब आते हैं इस पे यूजेस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए, ये 2 बाय एक्स माइनस 2 ये भी हमारे साथ एक रेशनल फ्रैक्शन है क्योंकि ये 2 कांस्टेंट नंबर है लेकिन एवरी कांस्टेंट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारे साथ ये वाला सर्कल के अंदर जो 1 है ये भी एक रेशनल फ्रैक्शन है। सिमिलरली आप मिसाल ले लीजिए दूसरा वाला 3 बाय एक्स प्लस 1, तो ये भी हमारे साथ एक रेशनल फ्रैक्शन है। अच्छा, अब इन दोनों के एडिशन से एक और रेशनल फ्रैक्शन बनता है। देखिए ये वाला आंसर आता है, ये किस तरह आता है नीचे अब आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपने क्लास 9 में भी डिटेल से पढ़ा है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये वाला भी रेशनल फ्रैक्शन, ये वाला भी रेशनल फ्रैक्शन है, इन दोनों के एडिशन से ये आया है, ठीक है। तो इन दोनों के एडिशन से जब ये आया है तो अगर आपसे मैं कहूँ कि इससे दोबारा ये दोनों फ्रैक्शंस बनाओ जो इससे एडिशन से ये बना है, तो इस रिवर्स प्रोसेस को फिर हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब इस एक सिंगल फ्रैक्शन को हम स्प्लिट कर देते हैं इसके एडिशन में। तो इस किस्म की प्रोसीजर को हम फिर कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, अब देखिए ये आपने पढ़ा है क्लास 9 में, इन दोनों के एडिशन का तरीका क्या है, इनसे ये आता है, किस तरह आता है। सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है, इनके एलसीएम क्या हो गया, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 होगा, तो इसको इस पे डिवाइड करने से एक्स माइनस 2 सिर्फ रह जाएगा, ये 2 के साथ आप इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए, प्लस अपनी जगह पे लगा लें, और इसके बाद इसको इस पे डिवाइड करने से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस 3 के साथ एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हो गई। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 2x, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो -4, सिमिलरली 3x आ जाएगा और 3 1 3, और नीचे डिनोमिनेटर अपनी जगह पे आ जाएगा। अच्छा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो इससे क्या बनेगा, 2x प्लस 3 से 5x बनेगा और -4 प्लस 3 से -1 बन जाएगा, और सिमिलरली इनकी मल्टीप्लीकेशन से हमारे साथ जो है क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, तो उसकी सिंप्लीफिकेशन से एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 बन जाएगा। तो चलिए ये देखें इसके एडिशन ऑफ फ्रैक्शन से, तो हमारे साथ ये आ गया जिस तरह आपने एडिशन ऑफ पॉलीनोमियल क्लास 9 में पढ़ा है, लेकिन
बट हाउ वी डू वी गो इन द अपोजिट डायरेक्शन. अब इससे ये किस तरह लेके आना है. सो टू फाइंड द पार्ट्स दैट मेक द सिंगल फ्रैक्शन दिस प्रोसीजर इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन. तो अब पार्शियल फ्रैक्शन की डिफिनीशन पे आते हैं. ए प्रोसीजर विच डज स्प्लिटिंग अप अ फ्रैक्शन इनटू टू आर मोर फ्रैक्शंस विद ओनली वन फैक्टर इन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन. वो प्रोसीजर जिसमें हम एक फ्रैक्शन को उसके पार्ट्स में, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर तकसीम करते हैं, मतलब स्प्लिट करते हैं, तो इस किस्म की प्रोसीजर को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन. लेकिन याद रखें कि इसके डिनोमिनेटर में हमेशा हमारे साथ जस्ट वन टर्म रहेगा. In other words, a fraction, a set of fraction whose algebraic sum is a given fraction is called partial fraction. कहने का मतलब ये है कि और जुबान और लफ्ज में आप सुने कि इन दोनों के सोल्यूशन से मीन्स की एडिशन से दोबारा ये आ रहा है, तो ये इसके पार्शल फ्रैक्शंस हो गए. तो होप इधर तक आपको पार्शल फ्रैक्शन का आइडिया क्लियर हो गया होगा. एक दफ़ा फिर सुन लें, जब हम एक फ्रैक्शन को स्प्लिट करते हैं उसके पार्ट्स में, तो इस किस्म की प्रोसीजर को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन. लेकिन इसके डिनोमिनेटर में हमेशा जस्ट ओनली वन क्या होता है, हुज अलजेब्रिक सम इज द गिवन पार्शियल फ्रैक्शन, सही है, और ओनली वन फैक्टर इन द डिनोमिनेटर होता है. अच्छा, अब इसकी यूजेस आप सुन ले. व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, द पार्शियल फ्रैक्शन इज सिंपलर विच कैन हेल्प टू सॉल्व मोर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन. आपके पास अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन है तो उसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन काम आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी यूजफुल इन कैलकुलस, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. इंशाल्लाह जब आप फर्स्ट सेकेंड ईयर पर जाओगे और इंजीनियरिंग में कोई स्टूडेंट जाते हैं तो कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है, उधर भी पार्शियल फ्रैक्शन, जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन होते हैं उसकी सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट, नाउ कम टू 4.1, डेट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस. फर्स्ट नंबर में है रेशनल फ्रैक्शन. अगर आपके पास दो पॉलीनोमियल्स हो, एक को आप पी ऑफ एक्स कह दें, दूसरी को क्यू ऑफ एक्स कह दें, तो इस किस्म के फ्रैक्शन को फिर आप कहोगे रेशनल फ्रैक्शन. क्योंकि ये देखिए वही आइडिया है, रेशनल नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं. अभी दो पॉलीनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई, तो इस किस्म के फॉर्म में अगर आप इसको लिखें तो इसको आप कहोगे रेशनल फ्रैक्शन, जो अभी इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया. अभी इस प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, तो जिस तरह प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनीशन ये थी कि उसका नोमिनेटर छोटा होता है जबकि डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो इसी तरह ये भी है कि प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है. अगर आपके पास एक रेशनल फ्रैक्शन है, डेट इज अ रेशनल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, वेयर क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसको आप प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कब कहोगे. लाजमी बात है, इधर भी एक पॉलीनोमियल होगा, इधर भी एक पॉलीनोमियल होगा, तो अगर इस वाले पॉलीनोमियल की डिग्री मीन्स की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स कम है और इस वाले पॉलीनोमियल की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलीनोमियल ज़्यादा है, तो इस किस्म के फ्रैक्शन को फिर आपने कहना है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन. अब इसको इधर डिफाइन किया है, इफ़ द डिग्री ऑफ नोमिनेटर पी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स. मिसाल के तौर पर आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/x+1, तो अगर आप इधर देखें तो कांस्टेंट के साथ आप इधर एक्स नॉट लिख सकते हैं, तो एक्स की डिग्री नोमिनेटर में ज़ीरो है और इसकी डिनोमिनेटर में एक्स की डिग्री को अगर आप देखें तो वो वन है. तो डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारे साथ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन हो गया. सिमिलरली आप इस वाले को देखिए, इसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है जबकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल की डिग्री 2 है, तो ये भी हमारे साथ डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो गया. तो इस किस्म के फ्रैक्शन को भी फिर आपने प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहना है. सिमिलरली इधर देखिए, ये 2 है और इधर 3 है, तो ये वाले भी हमारे साथ एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन हो गया. अच्छा, अब आते हैं सी नंबर पार्ट पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. असल में कौन सा होता है जिसका नॉमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है. तो अब वही आइडिया है, जब हमारे साथ दो आप पॉलीनोमियल्स लिख ले फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो उधर से ये रेशनल फ्रैक्शन हो जाएगा. लेकिन इम्प्रॉपर कब होगा, अब इसकी डिग्री 3 है और नीचे वाली को अगर आप कैलकुलेट करें तो उसकी डिग्री 2 आएगी, तो ये डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो गया. तो इस किस्म के फ्रैक्शन को फिर आपने कहना है इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन. लेकिन इसकी एक दूसरी कंडीशन भी है, अगर आप देखें इधर इसकी नोमिनेटर की डिग्री 1 है
और डिनोमिनेटर की डिग्री भी वन है। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री जब सेम हो जाए तो वो भी आपके पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। सिमिलरली इधर आप देखें तो इधर टू है और इधर भी टू है, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो ये भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो गया। सिमिलरली इधर आप देखिए इसकी नॉमिनेटर की डिग्री थ्री है और डिनोमिनेटर की डिग्री टू है, तो ये हमारे साथ भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो काइंड अब इसकी जो है हम लास्ट में डिफिनीशन कर लेते हैं। रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ नोमिनेटर पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स। वही बात कि अगर आपके पास एक रैशनल फ्रैक्शन है और उसकी नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है या उसके बराबर है, तो इस किस्म के फ्रैक्शन को फिर आपने कहना है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। एनी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कैन बी रिजॉल्व इनटू सम ऑफ द पॉलीनोमियल एंड द प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बाय लॉ डिवीजन मेथड। जिस तरह आप इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स में डिवीजन प्रोसेस से, तो सिमिलरली वही प्रोसीजर इधर भी इस्तेमाल होगा। आपने नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन की मदद से, तो फिर ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इज एन इन प्रॉपर फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन, डिवाइड द डिनोमिनेटर बाई नोमिनेटर। देखिए ये टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन मैंने अंदर लिखा और बाहर एक्स माइनस वन लिखा है। तो अब देखिए इसकी डिवीजन सबने पढ़ी है, टू एक्स स्क्वेयर लिख के और फर्स्ट टर्म पे इसको डिवाइड करें तो एक्स और एक्स स्क्वेयर ये वाले इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे टू एक्स आता है। ये टू एक्स इधर लगाए और इसको मल्टीप्लाई करने से टू इंटू वन इज टू और एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। सिमिलरली टू एक्स को आप माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू एक्स आ जाएगा। ये दोनों सब आप जो है इसकी इन दोनों की साइन चेंज कर दें तो ये प्लस टू माइनस टू बन जाएगा और ये माइनस टू प्लस टू बन जाएगा। तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा प्लस टू एक्स और ये प्लस वन इसके बाद आ जाएगा। अब इस फर्स्ट टर्म को इस पे डिवाइड करें, देखिए टू एक्स को एक्स पे डिवाइड किया तो एक्स और एक्स कैंसिल, जस्ट टू रह गया। तो इधर ये टू लगा ले, टू एक्स इज टू एक्स और माइनस टू इसके साथ आ जाएगा। साइन चेंज करने के बाद ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और इधर आपके पास प्लस वन प्लस टू से प्लस थ्री आ जाएगा। अब इसको आप रोटेट करें, ये इधर ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर, तो टू एक्स प्लस टू अब उधर प्रोडक्ट था लेकिन इधर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है प्लस लगेगा क्योंकि इसके एलसीएम से दोबारा वही आएगा, तो इसलिए इधर प्लस लगाए और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ऊपर फ्रैक्शन और ये वाला नीचे, तो ये नीचे आ गया। तो देखिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ कम टू टॉपिक 4.2, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब वही बात है कि अगर आपको एक फ्रैक्शन मिल जाए और इससे आपको कहे कि इसके वो पार्ट्स बना दे, मतलब एक फ्रैक्शन को अब हमने स्प्लिट करना है, आसान लफ्जों में कि हमने अब पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसीजर करना है, तो उसका तरीका सीखे। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, पूरी चैप्टर में ये बात मैं करूँगा कि इस चैप्टर में हमारे साथ फोर केसेस है। रेजोल्यूशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए ये हमारे साथ एक रैशनल फ्रैक्शन है, अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इस क्यू ऑफ एक्स पे डिपेंड करता है। मतलब आपने हमेशा डिनोमिनेटर को देखना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो जब आप डिनोमिनेटर को देखेंगे तो उधर आपके पास फोर केसेस आएंगे, दस देयर आर फोर केसेस इन्वॉल्व इन रेजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब आप फ्रैक्शन की रेजोल्यूशन करते हैं पार्ट्स में तो उधर आपके पास फोर केसेस आएंगे। फर्स्ट केस और सेकेंड केस पे आपके बुक का एक्सरसाइज 4.1 बना है और थर्ड और फोर्थ केस पे आपका एक्सरसाइज 4.2 बना है, दोनों बहुत इजी है। और फिर लास्ट में हम जब रिव्यू करेंगे तो ये चारों उधर मिक्स यूज़ होंगे। स्टूडेंट इधर से पेपर में इस चैप्टर से हमेशा एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन कौन से केस पे है, इधर केस वन पे है, केस टू पे है, केस थ्री पे है, केस फोर पे है।
तो उस इन सब के लिए अपने अपने प्रोसीजर है, खाली आपने वो प्रोसीजर सीखने हैं तो इंशाल्लाह आपको फिर कोई मसला नहीं आएगा। तो हम फर्स्ट केस को अभी डिस्कस करें, डेट इज़ विन डिनोमिनेटर क्यूम्फेक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो सबसे पहले तो लीनियर फैक्टर आप सुन लें, ये छोड़ दें। लीनियर फैक्टर हमारे साथ वो फैक्टर होते हैं जिसकी डिग्री वन होती है। नॉन रिपीटेड का मतलब ये है कि वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब एक दफ़ा ही आएगा, दो एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो अगर आपके डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो उस किस्म के क्वेश्चन को आप केस नंबर फर्स्ट के प्रोसीजर से सॉल्व करोगे। अच्छा, केस नंबर सेकंड में क्या होगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे साथ रिपीटेड लीनियर फैक्टर आएंगे। सिमिलरली केस नंबर थर्ड में हमारे साथ डिनोमिनेटर में क्या होगा, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब क्वाड्रेटिक क्या चीज़ है, आपने चैप्टर वन में सीखा है, क्वाड्रेटिक हमारे साथ वो फैक्टर है या वो इक्वेशन है जिसकी डिग्री हमारे साथ टू हो। तो जब आपके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए और वो रिपीट नहीं हो रहे हो तो उसको आपने केस नंबर थर्ड से सॉल्व करना है। और फोर्थ में आपको क्या कह रहे हैं कि जब आपके डिनोमिनेटर क्यूम्फेक्स में रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, ऐसे फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जो रिपीट हो रहे हो, तो उसको आपने फिर केस नंबर फोर्थ के प्रोसीजर पे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, इधर तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन और उसकी केसेस को पढ़ें, डिस्कस किए, तो इंशाल्लाह आप जो है इसकी अच्छी सी मेमोराइजेशन भी कर लें और इस प्रोसीजर को सीख लें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं केस नंबर फर्स्ट और इस रिलेटेड एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूँ।